ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो एक अपना इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अपना इंटरेक्टिव बोर्ड खराब हो चुका है। इंटरेक्टिव बोर्ड खराब हो गया है तो फिलहाल हमको स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो कुछ दिन स्क्रीन रिकॉर्ड से काम चलाएंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ करेंट अफेयर से टेक्निकल चीजें हैं जो हमको जानना है। ठीक है, करेंट अफेयर, एक चैटबॉट का आपने नाम सुना होगा, चैटबॉट कह के आजकल बहुत कोहराम मचा रहा है, हड़कंप मचाया हुआ है, चैटबोर्ड चैटबोर्ड। अभी फिलहाल एक चैटबोर्ड जो है अपने गूगल ने लॉन्च किया हुआ है। गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचई और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है, अल्फाबेट। तो उसने एक अपना नया बर्ड कह के चैटबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब चैटबोर्ड का तो नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन उसके पहले हम जो है चैटबोर्ड होता क्या है, एक्चुअल में चैटबॉट है क्या, कैसे यूज होता है, कैसा क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं चैटबॉट क्या होता है। तो चैटबॉट जो होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो लाइव ह्यूमन होगा, जो लाइव मानव होगा उसका इंटरेक्ट कराता है किससे, रोबोट से। अब चैटबोर्ड में दो वर्ड है, आप देख रहे होंगे दो वर्ड देखने को मिलते हैं चैटबोर्ड में। एक कौन सा है, एक क्या है, एक है चैट और एक है बॉट। तो चैट तो आप लोगों ने खूब सुना होगा और करते भी होंगे, करते हैं ना। तुम्हारी मुस्कान ही बता रही है कि चैट तो काफी किया है। अब बॉट थोड़ा अलग वर्ड लग रहा होगा, तो चैट मतलब हो गया बातचीत करना, आप लोग करते हैं बातचीत, वही बातचीत करना। और बॉट का मतलब होता है रोबोट, यानी हम किससे बात करेंगे, रोबोट से, तो वही चैटबॉट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें वही डेफिनेशन दी हुई है कि चैटबॉट वह कहलाएगा क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो किसका यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। ठीक है, और इसमें एक क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस यूज की जाती है। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कस्टमर की लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को समझ सके और उसका जवाब दे सके। ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर सके किससे, सिमुलेशन के थ्रू। आपने देखा कभी आईआरसीटीसी से बुक किया है क्या, आईआरसीटीसी टिकट बुक किया है क्या, किया होगा तो उसमें एक आ जाता है चैटबॉट, एक बाई आती है, हाय आई एम दिशा, हाय आई एम दिशा बोलती है ना। अरे लिखा आता है, एक भाई आएगी या भैया जी आ जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़ी रहती हुआ ऐसा ऐसा हाथ जोड़ के, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लेना, ये देखो ये हाथ जोड़ के खड़ी है यहाँ पर, हाय आई एम दिशा बोलती है ये, आस्क मी एनीथिंग। तो आस्क मी एनीथिंग मतलब एनीथिंग, हर चीज नहीं मान पूछ लेना है। कि हम आजकल करते हैं ना कि हमारे पास और बहुत सारे चैटबोर्ड है जिसको हम ये बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। सिरी का नाम सुना होगा, एप्पल का सिरी होता है, गूगल का एक गूगल असिस्टेंट है ना, सुना है ना, अमेज़न का एलेक्सा है, सुना है, हाँ एप्पल का सिरी है, तो उससे हम सवाल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज उसके पहले ये ध्यान रखें आप कि जो ये होते हैं चैटबॉट होते हैं, कुछ उनको कैटेगराइज किया है, तो हम जनरली दो टाइप के चैटबॉट देखते हैं। दो टाइप के चैटबॉट कैसे होते हैं, एक रूल्स बेस्ड चैटबॉट होता है और एक एआई बेस्ड। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले की बात कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड चैट क्या होंगे, चैटबॉट कैसे होंगे, वो एकदम सिस्टमेटिक आंसर देंगे, उनमें क्वेश्चन फीड कर दिया जाएगा और आंसर फीड कर दिया जाएगा। अगर आप वो क्वेश्चन डालेंगे तो उसका वो एक सिस्टमेटिक आंसर देंगे रूल्स से, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचेंगे। एआई, एआई जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो चैटबोर्ड की आज हम बात कर रहे हैं, एआई चैटबोर्ड है, मतलब इसमें कोई आंसर फीड नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, इसमें कोई भी आंसर फीड नहीं होगा। और क्या करेगा ये आपके जवाब के अनुसार आंसर को आंसर बनाएगा और आपसे ही सीखेगा। पहले आप लोग जो जवाब देंगे, जो क्वेश्चन करेंगे उसका पहले कुछ जवाब आएगा उससे, फिर वो सोचेगा कि ये क्या जानना चाहता है, आपसे ही सीखेगा, आपसे ही इंटरेक्ट करेगा वो, और उसके थ्रू, और जैसे जैसे आपसे बातचीत करते जाएगा तो उसकी और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी कि आप चाहते क्या हैं, आपकी चाहत पता चल जाएगी उससे को कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। तो इसी फील्ड में, और वो सिमुलेटेड रहेगा, है ना, सिमुलेटिंग ह्यूमन कन्वर्जन होगा तुम्हारा वहां पर, वहां एक्चुअल में कोई उधर दूसरे साइड पर, यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप बैठे हुए हैं और इस साइड पर रोबोट बैठा हुआ है। ठीक है,
तो दूसरे साइड पर रोबोट होगा, दूसरे साइड पर मतलब जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इंसान नहीं होगा, रोबोट होगा। आपको कुछ अब क्या होता है, हमेशा इंसान तो अवेलेबल होता नहीं 24/7 कहीं कहीं पर, तो उसी के लिए क्या किया गया है, चैटबॉट बनाया गया कि आपको कुछ अचानक से 12 बजे रात को उठे और ध्यान आया कि यार ये कैसे होता है, ये पता करना है हमारे को इससे, तो क्या करेगा उस समय आपकी रोबोट चैटबॉट, रोबोट नहीं चैटबॉट आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो ये दिख रहा है, यहाँ पर आपने कुछ चीज ये किया तो आपको यहाँ पर सोने लगा, और यदि आप IRCTC ऐप में जाएंगे तो आपको दिशा कहके एक चैटबॉट मिलेगा, वहां पर वो आपकी हेल्प करता है, और लगभग लगभग आजकल ये कॉमन हो चुका है चैटबॉट, लगभग लगभग वेबसाइटों में आपको ये मिलने ही लगा है, मिलने लगा है और इनका यूज होने लगा है। ठीक है, तो आजकल लेकिन ये वाला ये दिशा न्यूज में नहीं है, सबसे ज्यादा जो AI बेस्ड जो चैटबॉट है ना, दो चैटबॉट खूब ज्यादा न्यूज में है। सबसे पहला उसमें से है, एक है ChatGPT का, एक है ChatGPT का नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना? ChatGPT खूब कोहराम मचा रखा है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, और अभी ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ ChatGPT? ये लॉन्च हुआ है आई थिंक नवंबर में लॉन्च हुआ है, ठीक है, नवंबर 30 नवंबर को ये लॉन्च हुआ है, उसके बाद इसके यूजर्स लगभग लगभग करोड़ों हो गए हैं, करोड़ों यूजर्स हो चुके हैं, यूज करने लगे। रीजन इसका क्या है, क्योंकि एक ये प्रोडक्टिव टूल बन चुका है। ठीक है, आप इससे कुछ भी करा लो, चाहे मेल लिखवा लो, चाहे कविता लिखवा लो, चाहे किसी जवाब किसी चीज का सटीक जवाब मांग लो, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है, मतलब आपको कोई समस्या है, अब ऐसा नहीं कि आपकी शादी से रिलेटेड समस्या है, इसका जवाब नहीं ना देगा वो, मतलब पर्सनल समस्या है, कुछ लिमिटेशंस होती है उनकी भी, ठीक है, ऐसा दे देगा बट उसमें बोलेगा सॉरी, ठीक है, वो ये नहीं बताना चाहता कि आपकी शादी कब होने वाली, क्योंकि उसके बाद आप दुखी होने वाले हैं, ठीक है, तो पर्सनल समस्याओं से रिलेटेड वो नहीं ध्यान देता है, कुछ लिमिटेशंस है उसकी। ठीक है, अब उसमें इसमें क्या क्या, हर चीज, यदि आपको किसी चीज से रिलेटेड जानना है और उसका और भी अच्छा आंसर जानना है, जैसे आपको ITI क्या होती है तो कहीं भी पता चल जाएगा, अब हाँ हम यहाँ ITI में बैठे हैं तो ITI से रिलेटेड, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है या आपको ये पता नहीं है कि ईमेल कैसे लिखते हैं, वैसे तो YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपको साफ और सिंपल वर्डों में और बहुत आसान 10 स्टेप्स में, क्योंकि मैंने भी यूज किया इसको AI को, तो ये ChatGPT को मैं भी देखा, अरे नया नया है तो यूज करके देखना चाहिए, तो मैं भी देखा, तो आपको लगभग 10 पॉइंट देगा, उसमें आपको ये बताएगा कि आपको ऐसे 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 लिखना चाहिए, यदि आपको किसी को सरप्राइज गिफ्ट देना है या सरप्राइज बर्थडे पार्टी करना है, इसमें ये भी है सरप्राइज कुछ भी ये करना है, तो क्या होता है इसमें ये आपको ऑप्शन देगा कि हाँ आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए या ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो बर्थडे मनाने के आपको 10 तरीके बताएगा ये, या सरप्राइज देने के 10 तरीके बताएगा। ठीक है, तो यही है, ये यही काम कर रहा है। इसके सॉरी इसके फायदे क्या क्या है कि आपको 24/7 मिलेगा, 24/7, ठीक है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होगा इसका, ठीक है, और ये मनी सेव करेगा, बहुत कुछ करेगा, और एक चीज है कि आप इससे कर क्या क्या सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आप जो चाहे वो करवा सकते हैं इससे, जो चाहे आपको जो चाहे का मतलब खुश नहीं होना है ना, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जो चाहे से मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में उसको छोड़कर, ठीक है, वो करवा सकते हैं आप इससे, अरे नहीं नहीं जो चाहे, ठीक है, मतलब मार्केट सर्वे कराना है आपको, कुछ का रिसर्च करना है, किसी का जवाब ढूंढना है, या कुछ से रिलेटेड अब कुंडली मिलाना नहीं बैठ जाना इससे, है हाँ, ये भी कर देगा ये, ठीक है, वो भी करेगा सारी चीजें, लेकिन अब सारी चीजें होने लगी, कुछ चीजें जैसे आपको कोई बनाना है और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, मतलब हर चीज जितनी भी क्रिएटिव काम है ये करने लगा है, यही जो ये है अपना ना ChatGPT। इसके लिए आपको देखना है, अगर इस पर मैंने उसे काम मैंने भी देखा था ट्राई करके, ये देख लेंगे आप यहाँ पर, तो इसका जो है ना OpenAI का एक वेबसाइट है, वहां पर जाओगे लॉगिन करोगे तो तुम्हारे को सब ऑप्शन दे देगा क्या क्या करना है, यहाँ सब चीजें उसने दिया है, ठीक है 10 ईयर का बर्थडे का, 10 ईयर का कोई ओल्ड है, 10 ईयर का हो गया है तो उसका बर्थडे कैसे मनाना है, मतलब हर चीज, कुछ लिमिटेशन है जो मैंने बताया आपको, ओके।
हाँ वो लिमिटेशन तो भाई बहुत सारी, जो आप इनकॉग्निटिव मोड में करते हैं वो लिमिटेशन है इसमें, ठीक है, इंटेलिजेंस में ठीक है वो रहेगा। और क्या लिमिटेशंस रहे, क्या दिक्कतें क्या हो जाएंगी इसको, यदि आप इसका ज्यादा यूज करने लगेंगे तो समस्या क्या होगी पता है, आपके अंदर की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी, ये लिमिटेशन। यदि आप इसका ज्यादा यूज करने लगेंगे तो आपका क्या, दिमाग कम चलने लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, हो जाएगी ना, होगी या नहीं होगी। अब इसमें तो क्रांति तो लाई दिया है, क्रांति मतलब हर फील्ड में। मैंने हाँ मैंने एक्चुअल में इससे पूछा कैसे था कि कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, ये भी बताता है ये कि आप कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने के तरीके बताता है, ठीक है। और बाकी चीज देखो लिमिटेशन के साथ ही सर्च करना अगर जाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे एकदम मुस्कुरा रहे कि हम घर जाके सर्च करेंगे कुछ ही दे, तो वो नहीं करना है आपको। फाइनेंशियल जॉब से रिलेटेड मतलब ये अगर सर्च करना है कि फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट ए टू जेड काम करके दे रहे हैं ये चैटबॉट आपको, यानी उसका एक प्रो फॉर्मेट बना के देगा। आप ये जो दिख रहा है ना ये सामने, इस पे चले जाना, आपको सब चीज वहां अपना क्वेश्चन टाइप करना, जैसे क्वेश्चन टाइप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करना, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप किए और इसको सबमिट कर देना यहाँ से, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो चैट जीपीटी है दिखेगा, ठीक है। तो ये इसमें इसको खूब लोग अभी खूब लोग यूज कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये मैंने जैसे एक पिछली स्लाइड में डाला था कि भाई जैसे ही क्या हुआ इसका चैट जीपीटी आया तो लोगों को सोचने लगा कि ये गूगल को हटा देगा, ठीक है। तो अब गूगल को जैसे ही हटाने का बात आने लगी, ये आने लगी, तो गूगल के सुंदर पिचाई को रात भर नींद नहीं आई, सुंदर पिचाई है ना श्रीमान सुंदर पिचाई जी, वो सो नहीं पाए रात भर। तो आनन फानन में क्या किया उन्होंने, एक चैटबोर्ड ला दिया जिसका नाम था बर्ड, BARD, बर्ड AI, उनका भी एक चैटबोर्ड आ गया, चैटबोर्ड, ठीक है। अब आनन फानन में आ गया, जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का होता है। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक न्यूज देख रहा था तो उसमें आया कि एक जेम्स हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था पिछले साल, याद है क्या आप लोगों को, उसके बारे में इसने गलत जानकारी दे दिया, ये जो अभी लॉन्च हुआ है। तो ये जो जो अपना है ना जीपी चैट, चैट जीपीटी, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है क्या, नहीं पता होगा, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्रिडेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, जनरेटिव प्रिडेंट ट्रांसफार्मर, हाँ चैट जीपीटी उसका नाम है। तो उसने क्या किया, ऐसी सेम सेम जो चैट जीपीटी करता है वही काम सेम क्या करेगा, BARD, बर्ड AI भी करेगा, सेम टू सेम काम, ओके यही काम करेगा। तो अब उनने क्या किया, लाया, लेकिन आज ही क्या हुआ उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो उसने जो जेम्स हबल टेलीस्कोप है उसके बारे में उसने गलत जानकारी दे दिया, तो जो उल्टा हो गया, जो वो था ना गूगल कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। और मैं यहाँ कितना ही गलत बोल दूं, मेरे को एक रुपए का भी नहीं होता है बताओ यार उसने कितना बोले, अरे ऐसा नहीं बता रहा, मतलब बता रहा हूं मैं कि उसके सिर्फ दो चार वर्ड गलत बोलने की वजह से, तो अभी उसमें थोड़ी इनकरेक्ट करेक्टनेस है। बाकी काम जो ओपन AI करता है, मतलब चैट जीपीटी जो काम करता है, एक चीज ध्यान रखे, चैट जीपीटी जो है जो ओपन AI पर ही काम करता है, ठीक है, इसकी वेबसाइट है आज जाके सर्च कर लेना, तो ये भी वही काम करता है सेम टू सेम। लेकिन अभी इसमें, अब जल्दी का काम शैतान का होता है, आनन फानन में लाया गया है तो अब थोड़ा सा करेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको चालू किया जाएगा। चैट जीपीटी सेम चैट जीपीटी जैसे ही ये काम करता है, क्योंकि ना ये आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएगा, चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगा, ठीक है। ओपन एआई एक वेबसाइट है, उस पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर लॉगिन हो जाएगा, ईमेल आईडी डालना होगा, लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप करना, कुछ कुछ लिमिटेशन के क्वेश्चन टाइप करना, तो आपको वो ये दे देगा, ठीक है। इनसे हर तरीके की हमारे को जानकारी मिल सकती है, ठीक है, कस्टमर सर्विस एजेंट से लेके आपको जो जानकारी चाहिए, आपको वेब डिजाइनर बनना है वो बनना है, ये कैसे बनना है, क्या कैसे बनना है, इवन तुम तो पूछ लो कि अब तुम जो सोच रहे हो वही पूछ लो कि हम मेरे को ये कैसे बनना है, ठीक है, वो उसकी भी जानकारी ये देगा देगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी और बर्ड AI भी वैसा ही है, ठीक है, हाँ ओके ओके।